बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिल्ल आरम मैं हूं सभी काजमी आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब सबसे पहले अभी तरीके साफ़ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हुई जिस तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया धक्के मारे गाड़ी पर ले जाएगी शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों के आंसू अब कौम याद रखेगी अब ये वाजह हो चुका है कि यह इलेक्शन साफ शफाफ नहीं साफ शरीफ इलेक्शन है और इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो इमरान खान से अब डील के लिए आंदा आने वाली इलेक्शन पर मुफायमत मसालियत की वारदात वो मैं पूरी तफसील से आपको बताता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा उर्फ मुंशी साहब खुद बहुत बड़े चोर निकले आज तीन एम केसेस की इमरान ख़ान के ऊपर एक तो नायली डालने की कोशिश करें क्योंकि कल अवाम ने ब्ला वापस लेने पर ख़ुशी का इजहार किया ये हो नहीं सकता कि अवाम को खुश रहने दें और मरीम नवाज़ की जाली सर्वे पकड़ा गया झूठ पकड़ा गया शाह महमूद क्रैशी की गिरफ्तारी के साथ साथ मंजूर पश्तन भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो तरीके साहब छोड़ने वाले लोटे जब आवाम में जा रहे हैं तो आवाम उनके साथ कर क्या रही है पहला बड़ा नतीजा मैं आपके सामने रखता हूँ नवाज शरीफ के लाडले अतात तारण ने एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया तमाम बड़े बड़े सियासतदान इमरान खान समेत जो नहीं कर सके वो क्या कर गया मैं बताता हूँ आपको तफसील और सहाफ़ती गिद जिस तरह डॉक्टर महरम महरंग बलोच के धरने पर जाकर जो घटिया कार्रवाई कर रहे हैं उस पर मैं तफसील से बात करूँगा और इमरान खान के तोशाखाना केस में जो समात है सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इंसाफ दे जजिस के दिलों में कानून की हुक्मरानी डाले तोशाखाना एक झूठा और बोगस केस सारी दुनिया जानती है उस उसमें बात करेंगे आगे दूसरा साइफर का केस खुफिया अडयाला जेल में समात जहाँ मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं और दुनिया का यह वाद केस जिसे हाई कोर्ट ने ट्रायल का लदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानतें दी लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से गुआहान के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं चार हफ्तों में नामकम्मल करने का अलग है सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजाय मौत और उम्र क़ैद का मामला भी इसमें खत्म है उसके बावजूद इस केस को जिस तरह डोनाल्डू और बाजवा को बचाने की वजह से चलाया जा रहा है तो इनकी पूरी कोशिश होगी इसके अलावा तीसरा केस तोहे इलेक्शन कमीशन उसकी समात है ये वो केस है जो दफा एक सौ चुतालीस एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बायर रेड जोन में जिसमें इमरान खान मौजूद ही नहीं थे इलेक्शन कमीशन ऐसी मुतबारक जगह इन्होंने बनाई जहाँ अभी हाल ही में तरीकान इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान ये अपनी गली के टुचों को उठा के ले आए थे रेड जोन में वहाँ इन्होंने एहताज किया लेकिन इमरान खान से जो एहत में मौजूद नहीं उन पर यह केस एलेक्शन कमीशन तोहने इलेक्शन कमीशन फर्दे और जुर्म आज आयद करेगा और जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़रूर करेंगे इनकी पूरी कोशिश होगी कि खान को इस प्रोसेस से पूरे अमल से बाहर निकालें क्योंकि इलेक्शन कमीशन हालाँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ट्राइब्यूनल भी नहीं है और ये लोग जो मुझे उनकी समझ आती है जो इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के मुकाबले में साबित करने के लिए वैसे गोंगलुओं पर मट्टी झाड़ते वो भूल जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान जजस नहीं है ना ही इनकी हैसियत हाई कोर्ट के बराबर है सुप्रीम कोर्ट के चार बड़ी जजमेंट मौजूद है और इस पर मुकम्मल फैसला हो चुका है एतजाज़ एहसन ने बारहा मेरे प्रोग्राम में बताया पाकिस्तान के सबसे बड़े माहिर कानून है और तरीके साहब को पार्टी का या उनकी जो इंतखबा का मामला जो गैर कानूनी गैरानी गैर जमहूरी तरीके से वारदात कर चुके हैं जिस तरह वो देखें बदमाशी का दौर है न सर अवत्या में खड़ा हो कहते हैं जो वो वो खाड़ दें वाड़ लो करेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में यही कर रहा है कहते जो उखाड़ा वाड़ दो ताक़त तो हमारे पास है लेकिन ऊपर जाके अदालतों में फ़ारो हो जाते हैं आज जिस तरह ने बुजुर्ग सियासतदान वजी खारजा सबक शाह महमूद कुरैशी के साथ किया पाकिस्तान के आम लोग तो रोते हुए नजर आते मेहरबानों के आंसू पूरी कौम को रुला गई शाह महमूद की वफा दलेरी और बहादरी और डट जाना अपने कप्तान के लिए पाकिस्तान की कौम को याद रहेगा ये एक धक्का अवाम इन्हें आठ फरवरी को एक एक हल्के में जमानतें जब्त करवाएगी ये किराए गए गुल्लू बाटर जरायम पेशा पंजाब पुलिस के हाथों जिस तरह इंसाफ और कानून की धजियां उन्होंने बखेर दी पाकिस्तान की कौम कभी नहीं भूलेगी ये साफ और शरीफ इलेक्शन बन चुके हैं हम सबसे बड़े चोर यह खुद इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा डिफॉल्टर निकल आया और आम इतान में लोगों को नायल करने वाला इसका अपना रिकॉर्ड देखें फेडरल सेक्रेटरी था ये बनाया गया स्पेशल डिवीजन में इसके जिम्मे कमरा नंबर इसने रखा नाइन के छैतालीस हजार गुजारते हाउसिंग के देने थे इस कमरे पर कब्जा करके रहा था खुद डिफॉल्टर खुद चोर बल्कि कब्जा ग्रुप आवाम के पैसों को बाप का माल समझ के बदमाशी से आज बारह साल हो गए इसने वो छतालीस हजार नहीं दी उधर हिसाब लगाएं कितना उस पे इसका तो इंटरेस्ट बनता होगा ये खान के कुत्ते के बिस्किट और पेशाब तक और लोगों की घड़ियों तक बातें करता रहा कानूनी तरीके से मामला खुद दो हजार ग्यारह में इसने छतालीस हजार का फ्रॉड किया कब्जा ग्रुप वजारत इन कमरों में आपको पता है पाकिस्तान की कौम टैक्स पे करती है ये वहां कब्जा करके रह लेते हैं छोड़ते नहीं वो घर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो इमरान खान को सादक अमीन मासूम और क्यूट तक कहा यहां ये चोर बैठे हुए हैं साथ ये क्यों पागल हुए इलेक्शन कमीशन खासतौर तौर पर देखें मैं आपको वजह बताता हूँ दस अरब का प्रोपोगेंडा मीडिया को तो दे दिया उन्होंने रियासत की पूरी मशीनरी लगा दी इन्होंने गुल्लू बट ले आए अपने तारीखी धांधली इन्होंने जो इलेक्शन से पहले हल्काबंदियां वोटर लिस्ट सब कुछ करके कागजात छीनने मुस्तरद करवाने ये सारी वारदात करने के बावजूद क्यों उनकी कांपें टांग रही हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप आदाद आदादोशुमार देखें अठारह साल से पच्चीस साल के नौजवान उन्नीस फीसद छब्बीस साल से पैंतीस साल के नौजवान छत्तीस फीसद और पैंतीस साल की उम्र के ऊपर देखें तो ये बाईस फीसद तो ये सारा बनता है तकरीबन सत्तासठ फीसद वोटर छतालीस साल से कम ये किसके वोट है क्या मैं नाम बताऊँ आपको सारे खान के वोट है अब पैंतालीस फीसद वोटर वो है जो छत्तीस साल से कम है ये याद रखिएगा इन्हें तो खान ने कहा था ना जरा बड़ा हो लेने दो आज तो ये भी बच्चों वाले हो गए तो अब बहुत जल्दी जो दूसरे बुजुर्ग हैं जिनको ये जबरदस्ती कुरान पाक पर हलफ ले रहे हैं और घर जाके बच्चों से पूछ रहे हैं कि जबरदस्ती के हलफ का कुफारा क्या बनता है और जिन लोगों ने नमक खाया वफादार वोटर है यकीन करें आइंदा आई नून ली के वो बेचारे तो मौत वैसे ही मर रहे हैं है। रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं नौजवान बच्चों को नवाज शरीफ के खानदान और जरदारी के खानदान का इलेक्टेबल्स का नाम सुनने से घिन आती है नफरत हकारत हकीकत में लोग इनसे नफरत हकारत करते हैं अब वो जो बुजुर्ग रह गए हैं थोड़े से बस वो बेचारे इनके साथ है थोड़े बहुत बहुत थोड़े से इलेक्शन कमिश्नर पंजाब खुद चीफ सेक्रेटरी को खत लिख रहा है कि पुलिस का एहलकार जो है वो ये इलेक्शन मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है बैठ रहा है हमारा खुद कह, रि, रि, कह रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सोब बता रहे ये इनकी अलग वारदात होगी कि डिस्ट्रिक्ट अटर्नी रिटर्निंग अफसर को कह रहे थे जो सिस्टम आपने हमें दिया बलोचिस्तान में ही नहीं चल रहा चले उधर तो वारदात थोड़ी बहुत ही कर भी जाएंगे सबको पता है उसके लिए हम पहले तैयार आवाम चूंकि काबू नहीं आ रही अभी जंग के इलेक्शन में आप देखें एक लोटा अवाम के हाथ चढ़ गया वहाँ अवाम के नौजवानों ने इसे दिन में तारे दिखा दिए नौ मई की उसने बाद की उनका मॉडल टाउन ले आए उसने कहा तरीके इन छोड़ी उसने कहा तुम गद्दार हो तुम तो पार्टी के वफादार नहीं है तुम हमारे साथ क्या वफा करोगे बहरहाल में आपको अगली खबर दू ये लोग कौमी हुकूमत बनाने के मामले पर आपकार कह रहे हैं इमरान खान से मुजाकर मुसालत मुफाहमत नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े उनका उन इंटरव्यू रहनमांशा आप देख लीजिएगा साथ सबूत के तौर पर उनके लफाज में आपको बता रहा हूँ कि कौमी हकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों से रबता कर रहे हैं ख्वाजा असफ़ को टास्क दिया है कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात करो लतीफ़ खोसा साहब से मिलो उनसे राबा करो उन्हें कायल करो कि नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं कहा जाएगा और मिलकर कौमी हकूमत बनाते हैं हम आपको तस्लीम करेंगे लेकिन यह पता है जिसका नाम इमरान ख़ान है वो ये दो नंबरियाँ नहीं मानता इनकी इतहादी जमात झंडी दिखा रही है सिर्फ तीन बयान पीपल्स पार्टी के सुने शर्जील मेहमान ने तो कहा कि तो सरगर्मियाँ नहीं शुरू होंगी ये इंतबी मुइम नहीं कर सकते शुरू इंतबात नहीं चाहते वो मंजूर वसान ने कहा्टबलिशमेंट के साथ सफा जो है ना अंदर से जाके फट गया है मदन के पास इतना वक्त नहीं कि उनके साथ अब चल सकें और हुसैन शाह वो तो पिशावर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रहा था देखिए अभी जो ये शाह महमूद कुरैशी के मामले पे उन्होंने ये किया कि रिहाई मिले ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लो मंजूर पश्तीन को रिहाई मिले गिरफ्तार कर लो खान के मामले केसेस डाल दो झूठे के साथ ये अभी मंजूर पश्तीन को भी उन्होंने दो रोज़ा रिमांड पर तरनो पुलिस के हवाले कर दिया तो ये अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो उसका लोग कुछ लोग तो ऐसे जो इस शहर को कोफा बना हुआ जिस तरह इराक का शहर कोफा खामोश रहता था खामोश तमाशाई का किरदार तो वो है अभी मैं बलोच पश्तून लोगों के इस धरने पे इस्लामाबाद जो खूफा उसकी बात वो मैं आगे चल के आपको तक बताता हूँ उसमें थोड़ी सी तफी लेकिन पहले सियासी मामला दो तिहाई मांगता था हालत यह हुई कि आप कहता है सादा अक्सर दिन गुजर रहे हैं आवाम को देख रहे मुतालबात में कमी आप यकीन करें कह रहे हैं हमें कम अज कम अपनी जी नशितें जितवा दो जैली सर्वे इनकी जो मुहिम है अभी इनके झूठ वो दो दो मिनट में पकड़े जाते हैं अभी मरियम नवाज का सबसे बड़ा झूठ आपको पता है नून ली झूठ इन्होंने एक सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नाम पर एक झूठा सर्वे जल्दी जल्दी शेयर किया कि देखे जी हम आवा में बड़े मकबूल हैं और ब्लेंडर के आज सौ में से दो सौ बारह फीसद मकबूलियत भी उन सारों की अगर ऐड करें इमरान खान के सुनहरी अल्फाज की तो ये पढ़े लिखे नहीं दूसरा सीखते नहीं है सौ में से बारह दो सौ बारह फीसद कैसे हो सकता है जरा हिसाब लगाए अब नवाज शरीफ की मकबूलियत इन्होंने सतासठ फीसद बता दी <laughs> तीन फीसद से सतासठ फीसद नवाज शरीफ ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया तीन हफ्तों में जरा आप पूछे और जहलीयत का दूसरा सबूत कि इस कंपनी का इन्होंने सर्वे पहले तो इस कंपनी को ढूंढ ढूंढ के कर पागल हो मिलती नहीं ऐसी कंपनी अंग्रेज़ी में लिखे कंपनी के अपने नाम के स्पेलिंग गलत तो उस लोगों में ही सब गलत कंपनी का वजूद ही मौजूद नहीं और इनके अब तो अपने सहाफ़ी और शाहजेब अब मैं उसका पूरा नाम नहीं लेता फिर आप लोग मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं ज़बान स्लिप होती है तो फिर शाहजेब भी नाराज़ होता है तो इसलिए बार राना सला के सामने उसने हकायक रखे बल्ले के निशान पर उसने बात की ये सारी के देखो ये सारे राना साहब तो फ़ारग हैं कोई जवाब नहीं कहते प्रोपगेंडा है प्रोपागेंडा है

इलेक्शन कमीशन की हैसियत हाँ कोर्ट के बराबर नहीं है आज वो खान को खिलाफ फैसला देंगे मैं इसलिए बार, बार बार बात कर रहा हूँ जिस तरह उन्होंने बल्ले के निशान पर दिया अब हाई कोर्ट का फैसला जिस बल्ले के निशान पर कहते जी वो सिर्फ पिशावर की हाँ कोर्ट है पूरे पाकिस्तान में नहीं है वो आयन की दफा एक आर्टिकल एक पढ़ लो जाके चारों हाईकोर्ट्स में वफाकी इदारे इसमें इलेक्शन कमीशन हो नैब हो पुलिस हो तमाम फेडरल केसेस चल सकते हैं क्योंकि दायरा अख्तियार केस के हवाले से होता है जैसे पंजाब में देखें अगर वो हाई कोर्ट है तो वो लाहौर के मामला देखती है पिशा हाई कोर्ट खैबर पखतूनख्वा के देखती है इस्लामाबाद वफाक के लेकिन वफाक के अमूर पर आप ये केसेस लेके जाते हैं इस पर पाकिस्तान का कानून मौजूद है उसकी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बहुत से मसाले दे स लेकिन फिलहाल इन लोगों की अकल में चार हरफ भेज के आगे चलता हूँ टाइम इतना नहीं होता इलेक्शन के करीब अब सियाफत के गद जो है ये किरदार भी दोबारा जिंदा है पहले तो आपको पता है मुदार का इंतजार करते हैं कि नोच लें अभी बलोच धरने में डॉक्टर महरंग बलोच से ये बेहूदा सवाल करने वाले हनी ट्रैप की वो खातन जो जाती हैं डॉक्टर महरम बलोच है बुलोच से ये मुझे लगता है नौ मई के वाके की मजम्मत ना करवा दे गई कहने के इस नौ मई की मजम्मत करो फिर आप धरना दो यहाँ पर अब मैं एक बात बड़ी अहम इस वीलॉग में कहना चाहता हूँ जो लोग मेरी बात सुनते हैं मैं आपसे हाथ जोड़ कहता हूँ बलोच पाकिस्तान की बेटियाँ हैं बेसोर सामानी की हालत में सख्त सर्दी में मासूम बच्चों के साथ बैठी कोफा के लोगों तमाशा देखने का आपको बहुत शौक है मुझे पता है कुछ लोग मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन आप में बहुत से जिंदा दिल लोग हैंसैनीत ज़िंदा है आप में माओ बहनों बेटियों की चादरों पर उनके सर नंगे हैं मेरी इस्लामाबाद के लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूरी अशिया कंबल चादरें खाने पीने का सामान लेके इनके पास पहुँचें पैसों की खुदा के लिए फ़िक्र ना करें और जितना खर्चा हो ट्विटर पर डी कर दीजिएगा मैं दे दूंगा ये वी लॉक ब्राय मेहरबानी इस्लामाबाद के लोगों को पहुँचाएँ मेरी सहाफ़ी दोस्तों से भी असतूर वगैरह जो मिलते हैं भी दरख्वास्त है जो अपनी ताती जेब से करेगा वो बिल शेयर कर लें हमारे साथ ब्रा मेहरबानी ने चीज़ें पहुँचाएं वहाँ मैं बेसरो सामानी उनकी देख के दिल बड़ा दुखा है मेरा कल मैं लाइव था बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग पूछ रहे थे नोरिन के रोने का नोरिन रो रही है देखें नौरीन तो रो रही है मेहरबानो रो रही है डॉक्टर महरंग रो रही है नूनली के साफी एयर वाई के प्रोग्राम में बैठ के जिस साबिर शाकर से प्रोग्राम छीना उस साफी ने स्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा साफी है पढ़े लिखे नहीं होते ब्लेंडर मारे कहते नो नोरिन बल्ला मांग रही थी कहता नहीं नोरिन रो रही है फिर ट्रेंड बना <coughs> ये ख़ातून नोरिन फारूक उन्नीस सौ निन्यानवे से अपने आप को तहरीक इंसाफ का हिस्सा कहती है कहती है जी बैरिस्टर गोर दो हज़ार बीस में आया खान ने उसको चेयरमैन लगाया मुझे क्यों नहीं लगाया मुझे क्यों निकाला इसका भी वही छोटा सा पार्ट है एक अब साफी इसमें कहते हैं खुद रोते हुए कह रहा था कल कि जी नोरिन बला नहीं मांग रही नोरिन तो कहती है पार्टी में साफ शिफाफ इंतखबा करो इंटरा पार्टी की हमी है नोरिन ने बल्ला नहीं मांगा वो इमरान खान के लिए रो रही है तो नोीन मुस्लिम लीग काफ की क्यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है इसकी वीडियो मौजूद है वो से चौधरी शुजात के लिए रोना चाहिए ज़्यादा उसके साथ बैठ के गले लग के रोए बेशक बल्ले के लिए ना रोए बल्ला नहीं मिलेगा उसको अभी हैश टैग बना हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर नोरन को लोगों ने जुगते मार मार के मीन्स बना बना के रगड़ दिया दूसरा उसका भाई नोरन का अता तारण निकल आया अब शुक्र अदा करें लोग घुटन के माहौल में पाकिस्तान की कौम को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं वरना हम लोग वैसे ही मार जाएँ इस हबस में ही जुल्फार अली भुटो बेनजीर नवाज शरीफ इमरान खान से भी ज़्यादा उनको भी पीछे छोड़ गया ये तारण का पोता कागजात नामजदगी जमा कराने में सात सीटों पर करा एक तरफ तरीके इंसाफ के एक जगह नहीं जमा होने दे रहे इसके तो कह रहे थे जो अमृतसर के पार बॉर्डर पे जमा कराओ कागजात नामजदगी वहां भी इजाजत है वजीराबाद गुजरा वाला लाहौर सात सीटों पर कौमी असम्बली और सुबाई की अता जमा करा गया अपनी पार्टी के लिए दर्द सर बना है गुजरा वाला वजीराबाद लाहौर एम एन एम पी ए इन तमाम से कहां कहां रखा जाएगा मतलब सात नशितों पर नवाज शरीफ खुद दो हल्कों से उम्मीदवार है मरियम नवाज चार हल्कों से उम्मीदवार है शहबाज शरीफ चार से बिलावल तीन से ये हल्कों से उम्मीदवार लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं अगर ताकतवर लोगों को आंसू नजर आ रहे हैं नौरीन के रोते हुए उसे बल्ला देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर मेहरबानों के भी आंसू देख ले डॉक्टर महरंग बलोच के भी आंसू देख ले उन्हें ठंडा पानी मार के उन्हें उठा के भागने से बेसोर सामानी के आलम में यह जुल्म और ज्यादा ना करे ना करें, करें जुलम और ज्यादा क्योंकि पाकिस्तान की कौन देख रही है नौजवान देख रहे हैं आपके मुल्क में सबसे ज्यादा नौजवान है ये इनके आप क्या इनके जिनों में भर रहे हैं खुदा के लिए इन पर ना ज़्यादती करें ना जुल्म करें शाह महमूद को इस तरह धक्के देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा वो तो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन जो देख रहे हैं चौंसठ फीसद ये नहीं बर्दाश्त करेंगे ये कल हर बच्चा इनमें से आपको नफरत करता हुआ नजर आएगा तो खुदा रहा इस पर थोड़ी सी अकल करे और मैंने वकार मलिक के साथ अब एक घंटे का पॉडकास्ट किया बड़ी तफसील से ये सारे मामलात डिस आपको पता है इस बीलाग में थोड़ी सी टाइम की किल्लत होती है और मेरे पास तो मैटर बहुत होता है और इसलिए फिर उस पर बात नहीं हो सकती वो आपने चेक करके बताना है कि अगर वो ठीक लगा आपको तो फिर उस पर हम हर हफ़्ते किया करेंगे अपना ख़ास ख्याल रखें मुझे दें अल्लाह